सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने रहें। सरकार ने कहा कि सेन के कार्यकाल में कटौती करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और दावा किया है कि उसे नालंदा विश्वविद्यालय के संचालक बोर्ड से मंजूर मिनट से नहीं मिले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि मंत्रालय कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि उसे नालंदा विश्वविद्यालय के संचालक बोर्ड की पिछले महीने हुई बैठक में मंजूर मिनट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मुद्दा उठाने का प्रयास किया और इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ी भाजपा के सदस्यों के साथ कांग्रेस सदस्यों की तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेसी सदस्यों ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जवाब की मांग की। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद सड़क निर्माण के मामले में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि इस साल के मार्च तक हर दिन 15 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत पूरी शक्ति से विश्व के सभी देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व सम्मान और उत्सुकता से भारत की ओर देख रहा है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और युवा देश का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से एक समझौता किया है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए एमएसई मंत्री कलराज मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले लोगों को कर्ज भी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरएसई टीआई के देश भर में 581 जिलों में प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं। सूरत में प्रधानमंत्री को उपहार में मिली वस्तुओं की नीलामी बंद गले का नीला सूट 4.31 करोड़ में बिका। प्रधानमंत्री ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पिछले महीने हुई भारत यात्रा के दौरान पहना था। इस सूट को सूरत के हीरा व्यापारी ने खरीदा। गौरतलब है कि सूरत में प्रधानमंत्री को उपहार में मिली वस्तुओं की एक नीलामी से होने वाली आमदनी को गंगा विकास के लिए खर्च किए जाने की योजना है। बम्बई शेयर बाजार में आज 8 दिन में पहली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स लगभग 231 अंक टूटकर 29,231 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61 अंक के नुकसान से 8,834 अंक पर आ गया। हिमाचल के मनाली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर पड़ रही बारिश से स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 4 से 5 फीट तक की ताज़ा बर्फ ने लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा बुधवार से पानी बिजली आपूर्ति में पड़ रही बाधा से लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने लाहौल स्पीति में 2 दिनों के लिए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।